दो बंदे क्लास हो गए, छह लोगों, छह लोगों को मकान क्लास हो गए, आपको 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 राजनीति मेरे पास आप कितनी बारी आए, कितनी बार आप बात की राजनीति कर रहे हो, आप नहीं आए मेरे पास, अरे आप कितनी बार आए हमारे पास, अलग करते हो बाहर कुछ और नाटक करते हो, क्या नाटक करते हैं बाहर अंदर, मेरे पास कितनी बारी आप तो आए तो बताइए, आप मेरे पास कितनी बार आए, ऑफिस में आके अपनी समस्या बताई, अलग 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 बात करते हो, क्या बात करते हैं आप, हाउस हाउस डेकोरम डेकोरम से चलेगा वो, बिल्कुल आप बैठिए, आप बैठिए, जो मैं कह रहा हूँ टू लोग के सुन रहा हूँ, मेरे को नहीं सिखाना ये चीजें, समझ रहे आप, राजनीति नहीं करनी होती, मुझे मालूम है, आपको ज्यादा मालूम है। नगर निगम शिमला की मासिक बैठक मंगलवार को आयोजित हुई, जहां पर जमकर हंगामा हुआ। बता दें कि कृष्णा नगर के पार्षद बिट्टू ने मामला उठाया कि उनके वार्ड में इतना नुकसान हुआ है, इसके बावजूद भी मेयर की ओर से कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि मेयर ने उनके वार्ड का दौरा नहीं किया। इस पर मेयर ने उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं है, शहर ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में आपदाई है, इस आपदा के दौरान सभी को बेहतर राहत मिल सके इसके लिए काम किया जा रहा है। कुछ ही समय बाद दोनों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। पार्षद ने आरोप लगाया कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। वहीं भाजपा पार्षद बिट्टू पाना ने स्लॉटर हाउस के गिरने में अनियमितता बरतने के आरोप लगाते हुए स्लॉटर हाउस का निर्माण नियमों के तहत नहीं होने की बात कही। हाँ, जैसे आपने देखा है यह हाउस था, और हाउस में मैंने जो स्लॉटर हाउस का मुद्दा उठाया, क्योंकि जो स्लॉटर हाउस है ये 2012 में बनके तैयार हुआ था, और इसकी वजह से, स्लॉटर हाउस की वजह से हमारे जो कृष्णा नगर के 6 मकान कोलैप्स हो गए, और उस और जो मकान कोलैप्स हुए, वो कोलैप्स होने के बाद स्लॉटर हाउस के ऊपर गिरे, जिसपे 28 करोड़ रुपए का ये हमारा स्लॉटर हाउस भी एमसी का, जिसमें लोगों का पैसा कितना बर्बाद हुआ। मैंने इस बात को रखा मेयर साहब के लिए, मैंने इस बात के लिए रखा। और दूसरी बात ये है कि मैंने मेयर साहब को और बोला कि जो जो हमारे रे वाले मकान बने हैं, बन के तैयार है, आप उनको देने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं। 15 तारीख से लेकर आज आप देख लो 29 तारीख हो गई है, कम से कम 14-15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई नगर निगम की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रे वाले मकान इनके अपने मकान है, ये क्यों नहीं दे रहे। और इसमें जो हैं वहाँ के जो लोग हैं वो इवन वो रेंट देने के लिए भी तैयार है, वो और कंडीशनली वो हाउस लेने को तैयार है, कंडीशनली हमारे को हाउस दे दो ताकि हम एक साल के लिए रहें, और उसके लिए इवन रेंट भी देने के लिए तैयार है। कितने लोग हैं ये जो अभी, कम से कम नहीं है 20-21 लोग तो हैं ही हैं, जिनको तुरंत से रिहैबिलिटेट किया जाना चाहिए। स्लॉटर हाउस को लेकर आप किस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं, और क्या आश्वासन मिला? स्लॉटर हाउस का जांच तो मैं बड़ी चाहता हूँ कि इसकी तो जांच होनी चाहिए। अभी उन्होंने नंद हाउस में बोल भी दिया है कि इसकी जाँच बिठाई जाएगी, इवन कमिश्नर साहब ने बोला है कि इसकी जाँच बिठा दी गई है। क्योंकि आपको पता है जब ये स्लॉटर हाउस बन रहा था तो हमने तब भी ऑब्जेक्शन किया था, जब वहाँ इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी नीचे से चली, वो जो हमारा फिर अभी एमसी वाले बोले सिंकिंग जोन है, सिंकिंग जोन है, तब नहीं इनको दिखा ये सिंकिंग जोन है। अरे मकान तो पहले के बने हुए थे, स्लॉटर हाउस उन्होंने बाद में बनाया, तब इन लोगों को नहीं दिखा। अब ये एमसी वाले लिख रहे हैं कि वो सिंकिंग जोन थी। अरे जो हाउसेज थे वो पहले के बने हुए, स्लॉटर हाउस बाद में बना। हमने इनको बोला कि आप एक काम करो, जो स्लॉटर हाउस जो मकान है उनको वॉल लगा के, रिटेनिंग वॉल लगा के, छोटे छोटे डंगे लगा के, उन जो ऊपर हाउसेज है उनको बचा लो भाई, बाई चांस कोई दुर्घटना ना हो जाए। आज वही हुआ, लेकिन उन्होंने ये लोग क्या बोलते थे कि नहीं ये अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण को हम प्रोटेक्शन वॉल क्यों लगाएं, हम रिटेनिंग वॉल क्यों दें। आज जिन्होंने अपनी गलतियों से, मैं तो शर्याम बोलूँगा ये एमसी की गलती है, जो उस टाइम जिसने स्लॉटर हाउस बनाया, जिसने इसकी डीपीआर बनाई थी, जो एचओडी थे, जो ठेकेदार था, ये उसकी सरासर उसकी गलती है। कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद नरेंद्र ठाकुर ने अधिकारियों को घेरते हुए कहा कि ये सही से काम करें। उन्होंने ढली में बन रही सुरंग के साथ ही सड़क मामला उठाते हुए कहा कि इसकी हालत खराब हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ मिट्टी फेंकी जा रही है, इससे हालात सुधरने के बजाय खराब हो रहे हैं। जो स्मार्ट सिटी के तहत हमारे ढली टनल पे एक टनल का निर्माण हुआ है, तो उस टनल में जो काम की गति है इतनी स्लो है कि उससे सारी जनता वहाँ पे परेशान है। आप लोगों ने भी देखा होगा टनल के सिमेट्री वाली साइड की, पहले मैं बात करता हूँ कि सिमेट्री वाली साइड जहाँ से अंदर को कम से कम सिमेट्री और भट्टा कुफर के वार्ड के 20,000-25,000 लोग डेली आना जाना है उस क्रॉसिंग से है अंदर जाने के लिए, और सुबह
कम से कम 3-4 हज़ार बच्चों को लेके पेरेंट्स टनल पे टैक्सी या बसेस के लिए आते, सिर्फ एक सिंगल मारुति कार के बराबर इतना छोटा सा रोड वहाँ पे उन्होंने रखा है। कभी वो इधर से घुमा देते उसको मिट्टी डाल के या जेसीबी से, कभी इधर से घुमा देते। लोग इतने परेशान हैं कि इस मिट्टी वाले पार्षद है विनय जी और मैं, लोग इतना परेशान करते हैं कि वो उनकी दिक्कत भी बहुत सॉलिड है, बहुत ठीक बोल रहे हैं वो, क्योंकि ये जो टनल वाली कंपनी बना रही है बिल्कुल लापरवाही से काम कर रही है। इन्होंने पिछली गवर्नमेंट के टाइम लास्ट में इन्होंने हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने उसका उद्घाटन भी कर दिया था कि टनल अब थ्रू है, टनल थ्रू हो चुकी थी। लेकिन आज आपके सामने आपने देखा वहाँ के एक्शन साहब जब मौके पे अभी हाउस में आए थे तो जब उस समय सीएम साहब ने कर दिया था, तो अभी क्या उन्होंने आज खुद कहा है कि अभी टनल हमारी कंप्लीट नहीं है। डिपार्टमेंट के भी हमारे जो लोग हैं हमारी सरकार के, वो भी ठेकेदार की फेवर ज़्यादा करते हैं और स्थानीय लोगों की फेवर वहाँ कम करते हैं। इसी कारण आज जब हाउस में वो एक्शन साहब सामने आए तो अपनी प्रतिक्रिया देने लगे कि हम ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, लेकिन हमें पार्षदों ने तो अपनी बात वहाँ रखनी थी कि ये लापरवाही हो रही है हमारे डिपार्टमेंट की ओर से, वहाँ पर ये लापरवाही हो रही है। इस करके जो एक्शन साहब आए थे थोड़े भावुक भी हो गए कि मैं एक लेडी हूँ, अच्छी बात है लेडीज़ है, लेकिन 2 लाख रुपये पे तो शायद आपको भी मिल रही है, काम तो करना पड़ेगा, हमें तो लोगों को जवाब देना है। ठेकेदार जी तो अपने पैसे लेके कल को निकल लेंगे, एक्शन एसडीओ ये भी एक आधे साल में ट्रांसफर करके इधर उधर चल जाएंगे, लेकिन जो हम लोग स्थानीय लोग हैं हमें तो लोगों को जवाबदेही देनी है, वहाँ पे लोगों को फेस करना है, तो इसी कारण हमने आज अपनी बातें यहाँ पे रखी थी हाउस के अंदर। वहीं नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा है कि शिमला नगर निगम की मासिक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कई अहम फैसले लिए गए और पार्षदों को पेश आ रही परेशानियों के समाधान के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। देखिए आज हमारा जो महीने का एक अंत में एक नगर निगम का हाउस होता है, उसमें विभिन्न योजनाएं जो नगर निगम के एस्टीमेट्स बनाते हैं, कार्य जो इनको एफसीपीसी में हमारे जो हाउस के लिए आता है फिर एस्टीमेट सारे, और अलग अलग जो कार्य थे उसको लेकर के सभी लोगों में चर्चा हुई, और जिसमें हमारा कुछ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति थी और कुछ रिटायरमेंट्स थी, कुछ एक्सटेंशंस थी और डेवलपमेंट के कार्य थे जिसको लेकर के हमने चर्चा की, और स्मार्ट सिटी के लेकर भी और विभिन्न कार्य, जैसे हमारा शिमला में जो है इस बार बरसात में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और भयंकर नुकसान हुआ, जिसको लेकर के हमने बड़ी गहन चर्चा की, जिसको खास तौर पे जो निकल के आया चर्चा में उसमें ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के आया, बहुत हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उतनी अच्छी नहीं है, उसको लेकर के भी हमने हमारी बड़ी डिटेल में चर्चा हुई, और माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस पर हमें एक संज्ञान में लाया है, हमने उनके भी कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है ठीक नहीं, और जोलॉजिकल रिपोर्ट्स और अलग अलग जो महकमे सबको हमने इसमें लिखा भी है। हमारे जो शिमला के सांसद हैं, चाहे वो सुरेश कश्यप जी हैं और सिकंदर कुमार जी हैं, उनको भी हमने पत्र के माध्यम से शिमला के लिए इस आपदा में हमारी मदद करने की हमने आग्रह किया है, और विभिन्न जो हमारे चाहे वो बैंक्स हैं उसमें सीएसआर के माध्यम से सभी जगह हम अलग अलग क्षेत्रों में हम जाएंगे और अपना सरकार के समक्ष भी अपना इस जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, नालों का चैनलाइजेशन सबसे ज़रूरी है और आपका हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। खैर निगम की हुई बैठक जहां हंगामेदार रही, वहीं पार्षदों ने मेयर पर उनकी समस्याओं का समाधान न करने के आरोप भी जड़े, लेकिन इस दौरान निगम की बैठक में शहर में बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 9 करोड़ से ज्यादा के प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई। जाखू के अमर पार्किंग की एक मंजिला के खाली कमरों को आंगनवाड़ी को देने के लिए कहा गया, वहीं वार्ड नंबर 20 के कार्यालय की खाली मंजिल में डिस्पेंसरी खोलने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में निगम के अधिकारी डीपी सिंह व लैब के कर्मचारियों को सेवावृत्ति देने का मामला भी आया, इसे स्वीकृति के लिए सरकार को भेजने का फैसला भी लिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से आली की रिपोर्ट।